हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में और हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर पार्ट 4th। पार्ट 3 में मैंने आपको कोलिजन पढ़ाया, कोलिजन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया और वो इनकम्प्लीट था। पार्ट 4 में आज हम उस टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इन इलास्टिक कोलिजन एंड आफ्टर दैट टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? Now start. First is two dimension elastic collision. पहले इसको पढ़ ले, इन इलास्टिक के बाद पढ़ेंगे अपन टू डायमेंशन। इन इलास्टिक कोलिजन देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया था और आज हमको पढ़ना है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, दैट मींस बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, देन एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज, देन दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। यदि मोमेंटम जो है वह कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों कंडीशन में कांस्टेंट हो और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए तब हम इस कोलिजन को क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ये पार्टिकल्स हैं वो टकराने के बाद क्या है, ज्वाइंट हो जाते हैं। सपोज़ एक पार्टिकल ये है, ये दूसरा पार्टिकल है, सपोज ए एंड बी। मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज एम वन, सेकेंड इज एम। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इज यू वन, सेकेंड इज यू टू, एंड हियर यू वन इज ग्रेटर देन यू टू। जब यू वन यू टू से ग्रेटर रहेगा तभी क्या होगा, वो उसके साथ में कोलिजन करेगा। ठीक है? एंड आफ्टर कोलिजन होने के बाद चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो बॉडी क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। और कंबाइंड होने के बाद सपोज इसका कंबाइंड वेलोसिटी वी है, यह है इसका सिचुएशन, और मास हो जाएगा m1 वन प्लस एम टू। ज्वाइंट हो गए तो ए बी मास इज m1 वन प्लस एम टू, क्योंकि बॉडी अब ज्वाइंट हो गए। इस तरह से इन इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद क्या होते हैं, दोनों बॉडी एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि कोलिजन इन इलास्टिक है, सिंस कोलिजन इज इन इलास्टिक, देयरफॉर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, एंड आफ्टर कोलिजन इज एम वन प्लस एम टू एंड इट्स कंबाइंड वेलोसिटी इज वी। ये हो जाएगा देयरफॉर, यहाँ से v का वैल्यू हम फाइंड कर लें तो v इक्वल टू हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है? अब यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ u2 इक्वल टू जीरो, देन u2 इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स सेकंड पार्टिकल इज इन रेस्ट कंडीशन। ये जो सेकंड पार्टिकल है b वो जीरो हो जाए, तो इसको जीरो होने का मतलब क्या है, वो रेस्ट पार्टिकल हो जाए, तो उस कंडीशन में जीरो हो जाएगा, देन वेलोसिटी v इक्वल टू, फार्मूला मिलेगा अपने को m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। दैट मीन्स इफ ए मूविंग बॉडी इज कोलाइड्स विथ एनी रेस्ट बॉडी, यदि वो कोलिजन करता है किसी रेस्ट बॉडी के साथ में, मतलब रेस्ट बॉडी को जाकर कोई मूविंग बॉडी टक्कर मारता है, तो उस कंडीशन में v इक्वल टू एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू हो जाएगा,
एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, इसको हमने कह दिया सपोज ई वन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज सपोज ई वन, तो ई वन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m1 u1 square एंड सेकंड पार्टिकल इज इन रेस्ट कंडीशन, क्योंकि अब जो भी हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो सेकंड पार्टिकल के रेस्ट कंडीशन के लिए कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ई वन इक्वल टू इतना हो जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज सपोज ई टू, तो ई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 टोटल मास इज m1 + m2 एंड वेलोसिटी इज वी टू वी स्क्वायर, तो टकराने के बाद इनके कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी कितना है वी है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 m1 + m2 वी स्क्वायर। अब देखो इस कोलिजन का सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि कंबाइंड हो जाता है, जब पार्टिकल कंबाइंड हो जाता है तो दोनों बॉडी क्या होता है एक साथ मोशन करता है, तो यहाँ पर एनर्जी लॉस होता है, तो इस टॉपिक में हमको एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है, तो एनर्जी लॉस करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस एनर्जी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन से पहले उसके पास एनर्जी ज़्यादा रहता है तभी तो लॉस होगा, बाद में डिक्रीज हो जाता है, तो देयरफॉर इसमें मेन टॉपिक यही है आपका कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लॉस। कितना एनर्जी लॉस करता है, कितना एनर्जी लूज करता है, सपोज दिस इज डेल ई, डेल ई इक्वल टू हो जाएगा ई वन माइनस ई टू, अब हम ई वन में ई वन ई टू को माइनस करेंगे, तो ई वन क्या है 1/2 m1 u1 square माइनस ई टू है 1/2 m1 + m2 into v square दैट इक्वल 1/2 m1 u1 square माइनस 1/2 m1 + m2 एंड v स्क्वायर, तो v का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, देखो v m1 u1 / m1 + m2 वो वैल्यू हम वहाँ पुट अप कर देते हैं, m1 u1 / m1 + m2 होल स्क्वायर ये। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको लॉस ऑफ एनर्जी दैट मीन्स डेल ई का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ओके दैट इक्वल सिंप्लीफाई करो इसको 1/2 m1 u1 square इक्वल सॉरी माइनस 1/2, यहाँ पर देखो m1 + m2 का होल स्क्वायर है, एक m1 m2 इसके साथ में कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला m1 + m2 इस m1 + m2 के साथ कैंसल आउट होगा और एक बचेगा, ठीक है, कैंसल आउट होने के बाद तो क्या हो जाएगा 1/2 m1 square u1 square ये होगा और m1 + m2 क्लियर। अब पूरे रिलेशन से हम 1/2 m1 u1 square कॉमन कर लेते हैं, 1/2 m1 u1 square दैट इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 m1 u1 square ये कॉमन कर लिया तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 1/2 कॉमन हो गया, एक m1 कॉमन हो गया, तो यहाँ से हमको मिलेगा m1 और डिनोमिनेटर में m1 + m2 ओके दैट इक्वल 1/2 m1 u1 square अंडर ब्रैकेट यहाँ पर हम एलसीएम ले लें, m1 + m2 एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा m1 + m2 - m1 देयरफॉर डेल ई इक्वल 1/2 m1 u1 square और इनटू यहाँ से देखो m1 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा m2 और डिनोमिनेटर में m1 + m2 दिस इज द फाइनल इक्वेशन जिसको हम लिख सकते हैं, देयरफॉर डेल ई इक्वल टू 1/2 m1 को पहले लिख लेता हूँ मैं m1 + m2 into u1 square ये है एनर्जी लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी क्लियर 1/2 m1 into m2 / m1 + m2 into u1 square इतना एनर्जी लॉस इसमें होता है, मतलब यदि किसी भी बॉडी का हम इनइलास्टिक कोलिजन का स्टडी करें तो इनइलास्टिक कोलिजन में उस बॉडी में जो टोटल एनर्जी लॉस होता है वह इसके इक्वल होता है, ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्लियर, ये है इनइलास्टिक कोलिजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था
वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन हमने पढ़ा था पहले, वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एक बॉडी जब दूसरे बॉडी को जाके पीछे से कोलिजन करता है, टक्कर मारता है, तो आफ्टर कोलिजन उनका डायरेक्शन सेम होता है। लेकिन सपोज कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, जैसे कैरम में आपने देखा होगा कि कैरम में हम जब किसी गोली को साइड से कट मारते हैं तो गोली किसी और डायरेक्शन में जाता है, स्ट्राइकर किसी और डायरेक्शन में जाता है। तो टू डिफरेंट डायरेक्शन सेलेक्ट करने के कारण ये टू डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर को ध्यान से समझना क्योंकि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन फिगर पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिगर ड्रा करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप इसको समझना। सपोज ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ए एंड बी, मास इज एम वन एम टू, इट्स वेलोसिटी इज यू वन यू टू एंड हियर यू वन ग्रेटर देन यू टू। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब इनका कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद ये जो ए बॉडी है वो इस डायरेक्शन में चला गया और जो सेकंड नंबर का बॉडी है बी वो सपोज इस डायरेक्शन में चला गया, ये इनका वेलोसिटी हो गया। सपोज फर्स्ट बॉडी ने इसके साथ में थीटा एंगल वन बनाया और ये इसके साथ बनाया थीटा टू एंगल, इसका वेलोसिटी कोलिजन के बाद सपोज वी वन हो गया, इसका वेलोसिटी सपोज वी टू हो गया। क्लियर, इस तरह से ये कोलिजन के बाद टू डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए। अब यहाँ पर यदि हम वी वन के कंपोनेंट्स निकालें तो ये एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट इसका निकलेगा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो थीटा के पास वाला है तो इसका कंपोनेंट निकलेगा वी वन कास थीटा वन, थीटा के पास कास होता है। इसी तरह से वी टू का निकलेगा इधर वी टू कास थीटा टू और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकलेगा वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वी टू का, ये हो जाएगा वी टू साइन थीटा टू और इस डायरेक्शन में इसका हो जाएगा वी वन साइन थीटा वन, ये इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसके कंपोनेंट्स को समझना। तो ये एक्स एक्सिस से थीटा वन एंगल बना किस डायरेक्शन में गया, इसके टू कंपोनेंट्स वी वन कास थीटा वन एंड वी वन साइन थीटा वन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे एंड हियर वी टू कास थीटा टू इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वी टू साइन थीटा टू इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पर हम देखो इस कैलकुलेशन को टू स्टेप में करेंगे, सबसे पहले फॉर एक्स एक्सिस एंड आफ्टर दैट फॉर वाई एक्सिस। फॉर एक्स एक्सिस ये फर्स्ट कैलकुलेशन है हमारा एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो मोमेंटम, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे मोमेंटम पर। तो देखो कोलिजन क्या है, इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन हो जाएगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल फॉर एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में इसका वेलोसिटी क्या है वी वन कास थीटा वन, इसका क्या है वी टू कास थीटा टू, तो ये हो जाएगा एम वन वी वन कास थीटा वन प्लस एम टू वी टू कास थीटा टू। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आपको बताया जाएगा, यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन देख रहे हैं वो एक एक्सप्रेशन है और ये हमको न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएंगे। जैसे बम ब्लास्ट होने वाला जो पार्टिकल जो क्वेश्चन है कि बम ब्लास्ट होने के बाद एक सेगमेंट इधर गया इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं, न्यूमेरिकल्स जब मैं कराऊंगा तो वो सब आपको क्लियर होगा। अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और फार्मूला, तो बस इतना ही इसमें सॉल्व करना है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन कास थीटा वन प्लस एम टू वी टू कास थीटा टू। क्लियर, ये हो जाएगा मोमेंटम के लिए।
इसी तरह से यदि हम काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/2 m1 u1 square + 1/2 m2 u2 square इक्वल टू इधर हो जाएगा 1/2 m1 v1 square cos square theta 1 + 1/2 m2 v2 square cos square theta 2। ये हो जाएगा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। सिमिलरली यदि हम इसको वाई एक्सिस के लिए लिखें तो वाई एक्सिस के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो ये एक्स एक्सिस के लिए हो गया फॉर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में इसके कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, तो पहले हम मोमेंटम के लिए लिख लें। पहले मोमेंटम के लिए, फॉर मोमेंटम, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर नोट करना, कि कोलिजन से पहले ये दोनों पार्टिकल के वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं थे, क्योंकि उनका मोशन ओनली एक्स एक्सिस में था। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन जीरो हो जाएगा और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा m1 v1, ये इसका वेलोसिटी है v1 sin theta 1, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट हो चुका है, तो इसको माइनस में लेंगे तो हो जाएगा -m2 v2 sin theta 2। ये हो जाएगा मोमेंटम के लिए। और इसी तरह से यदि हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इन वाई एक्सिस इज जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस में तो मोशन था ही नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2 m1 v1 sin² θ1, और ये भी माइनस हो जाएगा 1/2 m2 v2 square sin² θ2। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया है, सबसे पहले फॉर एक्स एक्सिस के लिए मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फिर वाई एक्सिस के लिए मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये है 2-dimensional इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये आपको सिचुएशन को समझना है और ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि यदि किसी भी बॉडी में, टू बॉडीज में कोलिजन 2-dimensional हो तो उसके वेलोसिटी डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसके हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं और वाई कंपोनेंट फाइंड करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा कोलिजन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है, वो है पावर। पावर बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें कुछ भी नहीं है। पावर, अब लोअर क्लासेस से जो पावर पढ़ते आ रहे हैं वही पावर है, तो पावर पढ़ते हैं फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, हेलो स्टूडेंट्स, अन एकेडमी लेके आया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ऑल 6 सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए, मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पूरा आपका स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन, जिसमें आपको महाराष्ट्र के 50+ टॉप एजुकेटर्स से आपके पढ़ने को मिलेगा। और इस कोर्स में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगे। फ्री क्लासेस आपको लेने हैं तो आप अन एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, जितेंद्र सर लाइव, ये कोड यूज़ करके आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करके आप हमारे सभी फ्री क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस, बेस्ट स्ट्रेटजी एंड टॉपिक टू क्रैक एग्ज़ाम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री डेली क्विज, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, लीडर बोर्ड, ये पूरी फैसिलिटी आपको फ्री में मिलेगी। और यदि आपको हमारा फ्री क्लास पसंद आता है तो आप ले सकते हैं, आपको इस फ्री क्लास में ये पूरी फैसिलिटी मिलेगी और आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो सिर्फ 250 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट आपको पेड करने होंगे। और आप यदि हमारा कोड यूज़ करते हैं जितेंद्र सर लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप यदि 10th और 9th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जरूर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। टॉपिक इज पावर। पावर, व्हाट इज पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम।
आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। वर्क करने का जो रेट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो पावर कहलाता है, और इसका यूनिट होता है क्या, वाट। ये आपको पता है पावर इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी, ये वाट होता है। और इसको हम यदि कैलकुलस के फॉर्म में लिखें तो पी इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी पावर इक्वल टू, यदि हम वर्क का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये पावर कहलाता है। और 746 वाट इक्वल टू 1 एचपी होता है, ये फार्मूला ध्यान, 146 वाट इक्वल टू 1 एचपी होता है, क्लियर। इस फार्मूला को यदि हम थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में चेंज करें तो अदर फॉर्म्स, बस पावर के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको टॉपिक छोटा सा है। अदर फॉर्म ऑफ पावर, पावर के अदर फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, देखो सिंस यहां से डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है पी इंटू डी टी, ये हो सकता है, क्लियर। अब हमको देखो पता है, या मैं यहां से आपको यहीं से अलग से बता दूं, कई फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अपन इसको। सिंस वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। सपोज बॉडी में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है तो अमाउंट ऑफ वर्क डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स होता है। और इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एफ इंटू डी एक्स। दैट इम्प्लाइज डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू, यदि मैं फोर्स को बाहर कर दूँ तो यह हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। दैट इम्प्लाइज डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल ये हो जाएगा फोर्स, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। देयर फोर डी डब्ल्यू बाई डी टी पावर होता है, तो पावर इक्वल टू हो जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो किसी बॉडी पर जो अप्लाइड फोर्स होता है और उसकी जो वेलोसिटी होता है, दोनों का प्रोडक्ट भी पावर के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला भी कई जगह आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा। ये पावर स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एफ वी साइन थीटा। एफ वी साइन थीटा मतलब ये पावर इक्वल टू क्या होता है, एफ और वी के डॉट प्रोडक्ट के भी इक्वल होता है। यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन फोर्स के साथ में थीटा एंगल बनाता हो तो पावर इक्वल टू एफ वी साइन थीटा होता है, और इसको हम लिख सकते हैं पावर इक्वल टू एफ डॉट वी, मतलब उसको हम वेक्टर फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। यदि हम फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करें तो भी हमको पावर मिल जाता है। ओके, तो ये है पावर फाइंड करने के कुछ फार्मूले, ये कन्वर्ट करने का फार्मूला। तो पावर बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। अब आपको जब इस चैप्टर का हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो न्यूमेरिकल में हम उसको एप्लीकेशन से बताएंगे तो आपको यूज समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। वो 11th फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट भी कह सकते हो चैप्टर है। इससे पहले कि आपको मेरा वो वीडियो मिले, मेरा आपको सजेशन है कि आप इंटीग्रेशन का रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि उस चैप्टर में इंटीग्रेशन यूज़ होगा। ओके ओके, थैंक यू।